तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे विकास लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में। अगर बात करें कंपनी के स्टॉक प्राइस, कंपनी का स्टॉक 4.35 पे ट्रेड कर रहा है। पिछले साल की अगर बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने 35% के रिटर्न दिए हैं। अगर हम बात करें पिछले एक महीने की, तो पिछले एक महीने के अंदर 18% तक यहाँ पर स्टॉक के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। अगर पिछले 5 दिनों की बात करें तो पिछले 5 दिनों के अंदर स्टॉक में 13% के आसपास यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ पर स्टॉक के अंदर 4% के आसपास गिरावट आपको देखने को मिली है। जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से इस गिरावट का रीजन और किस प्रकार से ये स्टॉक आपको आने वाले समय में मल्टीपल रिटर्न दे सकता है। अगर बात करें BSE इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट की, तो कंपनी के बारे में यहाँ पर 9 तारीख को अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद में यहाँ पर कंपनी के बारे में कोई भी अपडेट नहीं आई है। अगर अपन माने किसी न्यूज़ के बेस पर यहाँ पर कंपनी में डाउनवर्ड अपने को देखने को मिला, तो कोई ऐसी न्यूज़ निकल कर नहीं आई है जिसके कारण आपको डाउनवर्ड देखने को मिला हो। अगर रिजल्ट की बात करें तो जून 2022 के बाद में कंपनी का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई अपडेट यहाँ पर क्वार्टरली और फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नहीं देखने को मिला है, जिसके कारण यहाँ पर एक बड़ी गिरावट अपन मान सकते हैं। अगर अपन बात करें मनी कंट्रोल की ऑफिशियल वेबसाइट की, कंपनी का मार्केट कैप 579 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर 0.23 का देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अगर बात करें PE की, तो यहाँ पर 18.91 है। सेक्टर PE 57.90 का है। बुक वैल्यू कंपनी की 1.15, यानी रियल वैल्यू से आप कम इसको मान सकते हैं, काफ़ी कम यहाँ पर कंपनी की जो बुक वैल्यू आपको देखने को मिल रही है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल यहाँ पर एवरेज आपको देखने हैं, क्योंकि ये पेनी स्टॉक आप मान सकते हैं। अगर अपन बात करें कंपनी के रिजल्ट्स की, फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट की बात करें, तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था 300 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन नेट प्रॉफिट अगर देखें तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी यहाँ पर 28 करोड़ का कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर बात करें पिछले कुछ क्वार्टर की, तो कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर जून 2021 से लेकर जून 2022 तक कंपनी के जो रेवेन्यू के अंदर आपको जंप देखने को मिला है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर अच्छा खासा है। यहाँ पर जून 2021 जहाँ कंपनी का नेट प्रॉफिट 0 करोड़ था, वो बढ़कर जून 2022 में 2 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। और यह प्रॉफिट मार्च 2022 के अंदर 23 करोड़ भी आपको देखने को मिला है। इसी के साथ अगर बात करें सेल्स की, जून 2021 के अंदर जहाँ कंपनी की टोटल सेल्स 24 करोड़ की थी, वो कंटिन्यूसली आपको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई दी है। और जून 2022 में यह सेल्स 92 करोड़ की हो गई, यानी कंपनी की जो सेल्स है उसके अंदर आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। यह काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। अगर बात करें बीच के क्वार्टर मार्च 2022 और दिसंबर 2021 के जो क्वार्टर हैं, उनके अंदर भी आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। जहां पर जो टोटल सेल्स की अगर बात करें, तो यहाँ पर 102 करोड़ और 106 करोड़ की सेल्स आपको स्टॉक के अंदर जो कंपनी के अंदर देखने को मिली, जो काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट आप इस कंपनी के लिए मान सकते हैं, क्योंकि कंपनी यहाँ पर अपवर्ड आने की कोशिश कर रही है। अगर अपन बात करें कंपनी की जो टोटल नेट प्रॉफिट है, जो कि जून 2021 के अंदर जहाँ 0 करोड़ बताया गया है, वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव होता हुआ जून 2022 के अंदर 2 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला, जो काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट आप मान सकते हैं। इसी के साथ अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है, वो आपको जून 2021 से लेकर जून 2022 तक डाउनवर्ड भी देखने को मिली है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ पर प्ले शेयर भी आपको इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर यहाँ पर 12.63% यहाँ पर प्ले शेयर देखने को मिली है, जो काफ़ी ज़्यादा तो आप नहीं मान सकते, लेकिन एक प्ले शेयर होना किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं मान सकते। अगर बात करें फॉरेन इन्वेस्टर की, तो फॉरेनर्स की यहाँ पर होल्डिंग जून 2021 के अंदर 1.19 की थी, लेकिन जून 2022 के अंदर 12.21 की, जो काफ़ी बड़ा इंडिकेटर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि आगे आने वाले समय में इस कंपनी में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है और स्टॉक प्राइस में भी अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिल सकती है। अगर अपन देखें चार्ट के माध्यम से, तो रैली आपको इस स्टॉक में पहले भी देखने को मिली है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा करेक्शन होने के कारण आपको 14 मई 2021 से लेकर 21 जून 2022, यानी 6 महीने के ड्यूरेशन के अंदर कंपनी ने अच्छा खासा स्टॉक में 163% का शानदार रिटर्न आपको देखने को मिला। लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली आपको मार्केट के सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग आपको डाउनवर्ड देखने को मिल रहा है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस भी इस स्टॉक में देखने को नहीं मिला है, क्योंकि कंपनी का जो रिजल्ट है नॉर्मली आपको देखने को मिले हैं। कंपनी के सेल्स और नेट प्रॉफिट में हल्की सी गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आपको इसको नहीं मान सकते। अगर अपन बात करें फ्यूचर की, तो कंपनी के अंदर ऑब्वियसली आपको अच्छा खासा रन देखने को मिलेगा। फॉरेनर्स के साथ में अगर बात करें डोमेस्टिक इन्वेस्टर की, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर की जून 2021 के अंदर 0.01 की होल्डिंग थी। उन्होंने बाद में यहाँ पर सितंबर, दिसंबर और मार्च क्वार्टर के अंदर यहाँ पर होल्डिंग 0 आपको देखने को मिल रही है, लेकिन जून 2022 के अंदर यहाँ पर उनकी होल्डिंग में अच्छा खासा आपको जंप देखने को मिला है, और उनकी जो होल्डिंग है 0.02 की होल्डिंग आपको इस स्टॉक में देखने के लिए मिल रही है। यानी यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर अपना स्टेक कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। पब्लिक का यहाँ पर स्टेक कंटिन्यूसली डाउनलोड आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो रिजल्ट है, वो भी आपको एवरेज देखने को मिल रहे हैं। आने वाले समय में कंपनी अगर रिजल्ट बेहतरीन पेश करती है, तो ऑब्वियसली इस स्टॉक में अच्छा खासा रन आपको देखने को मिल सकता है। अच्छी खासी गिरावट में ये स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक निवेश के लिए अच्छी रणनीति आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिल चुकी है। इस स्टॉक में निवेश करने से पहले इसके फाइनेंशियल रिजल्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग।